नमस्कार दोस्तों, बिजनेस की बात प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ऑफलाइन व्यापारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, उसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। 10 लाख से ज्यादा व्यापारी सदस्य वाले पश्चिम बंगाल ट्रेड एसोसिएशन का परिसंघ एक वेबसाइट डेवलप कर रहा है, जिसे लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बंगाल में अब इस हफ्ते के अंत तक किरानों की दुकानों, ऑटो पार्ट स्टोर, कंप्यूटर उपकरणों की बिक्री करने वाली दुकानों, ट्रांसपोर्टर्स और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री करने वालों की वेबसाइट होगी। आपको बता दें कि एसोसिएशन पहले ही 1000 से ज्यादा सदस्यों को नामांकित कर चुका है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा सकें। CAIT ने इस संदर्भ में 7 करोड़ व्यापारियों और उनके कर्मचारियों का डेटा इकट्ठा करने के लिए एक नेशनल कैंपेन शुरू किया है। अब वक्त है ऑफलाइन से ऑनलाइन में बदलाव का, इसलिए हमें आपके साथ ये शेयर करते हुए काफी खुशी महसूस हो रही है कि ओके क्रेडिट व्यापारियों को नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद के लिए आ रहा है और आगे भी आता रहेगा। तो जल्द मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।